नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निष्पत्ति, मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में पछुआ वर्ग को 27% संरक्षण, आर्थिक दुर्बल छात्र छात्रों पर 10% संरक्षण। मेडिकल और डेंटल शिक्षार प्रवेश मिल लाभ, उपकृत हे 5550 छात्र छात्री। वर्षपूर्ति अवसर में नुआ शिक्षानीति उपरे मोदी मंत्र, नुआ शिक्षानीति जरिया रे हेबो भविष्यतर निर्माण, छात्र छात्रों भय दूर करिबो शिक्षानीति। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रो शुभारंभ, उच्च शिक्षा रे प्रवेश एवं प्रस्थान उपरे मिलिबो विकल्प। विरोधी प्रति कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कले लोकसभा बाचस्पति, श्रृंखलित नहले कड़ा पदक्षेप नेबाकु चेतावनी, कहले सरकार आलोचना प्रस्तुत तथापि श्रृंखलित होना विरोधी, नष्ट होउछि संसदर गारिमा। केरल आगो को आसिले केंद्र सरकार, राज्य को गला 6 जणिया केंद्रीय टीम, विभिन्न जिला बुली केउ कारणरु बढ़ुछि कोरोना करिवे जांच, सबडे राज्य रे शनि रवि संपूर्ण लॉकडाउन। पुणि ओडिया पुंकु केंद्र रे गुरु दायित्व, एनडीआरएफ डीजी सत्यनारायण प्रधान को नारकोटी कंट्रोल ब्यूरो रा अतिरिक्त दायित्व, राकेश आस्थानांक ठारु कले दायित्व ग्रहण। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निष्पत्ति, मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में पछुआ वर्ग को 27% संरक्षण नहीं निष्पत्ति नहीं सरकार, से आर्थिक रूप से दुर्बल छात्र छात्रों पर 10% संरक्षण निष्पत्ति नियाजाइछे। मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश आर्थिक रूपे दुर्बल वर्ग को मिल लाभ, यह घोषणा पर प्रतिवर्ष 5550 छात्र छात्री लाभवान होते। एमबीबीएस रे प्रतिवर्ष 1500 पछुआ वर्ग छात्र लाभान्वित होते। एमबीबीएस, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएसजे मिल संरक्षण। 2021-22 शिक्षा वर्ष यार लाभ मिल, ऑल इंडिया कोटा मिल संरक्षण। गत जुलाई 26 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने विभागीय मंत्रालय सहित बैठक करते। बैठक में केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मांडाभ्यंक सह विभागीय सचिव माने उपस्थित थे। समाज पछुआ वर्ग को सशक्ति करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्धता को यह प्रतिफलन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर प्रतिवर्ष हजार हजार युववर्ग लाभवान होते। सेपरी केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर सबका साथ सबका विकास लक्ष्य नहीं काम करुवा मोदी सरकार ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। गगन विश्वाल नुआदिल्ली प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना पर गगन कौन सब ऐतिहासिक निष्पत्ति नियाजाई आज देखो निश्चित भाव अपूर्व ऐतिहासिक निष्पत्ति आम इस कह 2014 देखिए 2014 रु 2020 भितर 2000 एमबीबीएस सीट कथा जी देखिए पाखापाखि 56% सीट दी जो संख्या 54,348 से संख्या बर्तमान बढ़ी 84,000 समथिंग पहुंची। किभरी भाव जी पीजी संख्या देखिए पीजी संख्या पाखापाखि 80% दी जो संख्या 30,000 था संख्या बर्तमान आज 54,000 पहुंची। से भाव में देखते देखिए मेडिकल कलेज गुड़िकर संख्या वृद्धि ये संख्या बर्तमान 558 रही। सरकारी क्षेत्र से देखते 299 और बेसरकारी क्षेत्र से देखते 269 आज मेडिकल कलेज रही। तो निश्चित भाव ये गोटे दीर्घ दिन दावी था खास कर जो ओबीसी वर्गर रही अनेक गुड़े आम राज्य परिप्रेक्षी में कहवा पूर्व जो रही बढ़ई हूँ कमार हूँ दिल्ली हूँ बा जो गौड़ हूँ अनेक जातिर लोक रही जो ओबीसी कैटेगोरी आसती किंतु सेमको बेनिफिट पा ना तेणु दीर्घ दिन जो गोटे दावी था निश्चित भाव ये गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति या सहित जो मैंने अर्थनैतिक अनग्रसर श्रेणी जो मानकर सोशियाल इकोनोमिक बेपर कास्ट जो मैंने आसर दीर्घ दिन दावी थी मेडिकल फिट्रेस आडमिशन को नहीं देखिए अनेक संख्या अर्थर आवश्यकता पड़ा बेले मार्च गोटे बाधा सृष्टि कथ निश्चित भाव से कटे गोटे पाई निश्चित गोटे जीवन सुधर निश्चित भाव बेनिफिट हे और जो जो संख्या आप कहते 5550 प्रत्येक वर्ष जो देखिए 1500 केवल एमबीबीएस 2500 छात्र छात्री देखिए पोस्ट ग्राजुएट से भाई भाव में एमबीबीएस 550 जन और 1000 जन यही भाव से देखिए 5500 रु अधिक पिला बेनिफिट एवं जो कोर्स गुड़िक रही एमबीबीएस एमडीएस डिप्लोमा बीडीएस एमडीएस जो मैंने डेंटिस्ट चाहते
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଜି ଏବଂ ଅପର ପିଜି ଲେବଲ ଦୁଇଟି ଯାକ କେଟେଗୋରୀ ଇଏ ବେନିଫିଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ 26 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପୂର୍ବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଛେ। ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କରିଛନ୍ତି ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ମଡ୍ୟୁଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିଷୟ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ଠା 2ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପିତ ୱେବସାଇଟ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିସହିତ ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ କରୁଛେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଯୋଜନା ନୂଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବି ଭାରତର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ହେବ। ନଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କୋ ଏକ ସାଲ ପୁରା ହୋନେ ପର ସଭି ଦେଶବାସୀୟ ଔର ବିଶେଷକର ସଭି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଓଂ କୋ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନାଏ। ବିତେ ଏକ ବର୍ଷ ମେ ଦେଶ କେ ଆପ ସଭି ମହାନୁଭାବୋ ଶିକ୍ଷକୋଂ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିକାରୋଁ ନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କୋ ଧରାତଲ ପର ଉତାରନେ ମେ ବହୁତ ମେହନତ କି ହେ। କରୋନା କେ ଇସ କାଲ ମେ ଭି ଲାଖୋଁ ନାଗରିକୋଁ ସେ ଶିକ୍ଷକୋଁ ରାଜ୍ୟ ଅଟୋନୋମସ ବଡି ସେ ସୁଝାଉ ଲେକର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବନାକର ନଇ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କା ଚରଣବଦ୍ଧ ତରିକେ ସେ ଲାଗୁ କିଆ ଜା ରହା। ବିତେ ଏକ ବର୍ଷ ମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କୋ ଆଧାର ବନାକର ଅନେକ ବଡ଼େ ଫୈସଲେ ଲିଏ ଗଏ ହେ। ଆଜ ଇସି କଡ଼ି ମେ ମୁଝେ ବହୁତ ସାରି ନଇ ଯୋଜନାଏଁ ନଏ ଇନିସିଏଟିଭସ ଇସକି ଶୁରୁଆତ କରନେ କା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଲା ହେ। ଭବିଷ୍ୟ ହମ କିତନା ଆଗେ ଯାଏଁଗେ କିତନି ଉଚାଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଁଗେ ୟେ ଇସ ବାତ ପର ନିର୍ଭର କରେଗା କି ହମ ଅପନେ ଯୁବାଓଁ କୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ୟାନି ଆଜ କୈସି ଶିକ୍ଷା ଦେ ରହେ ହେଁ କୈସି ଦିଶା ଦେ ରହେ ହେଁ। ଇସଲିଏ ମେ ମାନତା ହୁଁ ଭାରତ କି ନଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କେ ମହାୟଜ୍ଞ ମେ ବଡ଼େ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମେ ସେ ଏକ ହେ। और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। आज इस कार्यक्रम में जुड़े अधिकांश महानुभाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों से परिचित हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मिशन है इस एहसास को हमें
बार बार याद करना ही है। पॉजिटिव भारत समय एक ब्रेक रहा। ब्रेकफास्ट स्वागत। चिंता बढ़ाऊ केरल केस। देश में कोरोना मामला ह्रास होता बेले भारत दक्षिण एवं पूर्वोत्तर राज्य में कोरोना मामलें ह्रास घटुना। केरल स्थिति नियंत्रण को आसीपुना। देश में चिन्हट होता मोट मामलार पखापाखि 50% केस केरल चिन्हट हो जहां अधिक चिंता बढ़ाई। तेज स्थित नियंत्रण को आने केन्द्र सरकार आगक आसी। केन्द्र सरकार केरल को एक 6 जणिया केन्द्रीय टीम पठाई। एनसीडीसी निर्देशक एसके सिंह नेतृत्व में केरल जाऊथिबा एक टीम राज्यर विभिन्न जिला गस्त करिवो। सेबडे देशर हॉटस्पॉट पलटिथिबा केरलर स्थिति को देखि राज्य सरकार आसंता शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन पई घोषणा करिछन्ते। केरलर वर्तमान 1,54,000 एक्टिव केस रहिछे। विरोधी प्रति कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कले लोकसभा बाचस्पति। सरकार विरोधी सांसदस्य सहित समस्त प्रसंगे संसद आलोचना राजी थिले श्रृंखलित होना। विरोधी गृह परिचालन बारंबार व्याघात सृष्टि जो गृह मुलतवी रखा पड़े। यहाद्वारा संसदर गारिमा नष्ट अत्यंत दुर्भाग्यजनक और बहुत दुख देउछि। आज लोकसभा भाव विहोल हो प्रकाश करिसेंति बाचस्पति ओम प्रकाश बिरला। बुधवार दिन कांग्रेस सांसद माने गृह में जो प्रकार विशृंखलित आचरण प्रदर्शन करते के ग्रहणीय नथिला। एपरी नकरी विरोधी गृह में श्रृंखलित होंतु एवं गृह को सुरखुरी चलवाक दिंतु बोली परामर्श देते बाचस्पति। विरोधी श्रृंखलित नहले एणिकी नियम अनुसार से विरोध में कड़ा पदक्षेप नि चेतावनी देते। कल दिनांक 28 जुलाई को जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्ची फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटिले सारा विश्व सोशल मीडिया रे सबुठ अधिक सक्रिय थिबा राजनेता। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर रे तांकर फॉलोअर संख्या एहा मध्ये 70 मिलियन बा 7 कोटी अतिक्रम करितबा जाना पडिछे। गुजरात मुख्यमंत्री थिबा बेले 2009 मसिया ट्विटर व्यवहार करि आसुछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। 2010 मसिया फॉलोअर संख्या थिला मात्र 1 लाख। 2014 देशर प्रधानमंत्री हेबा परे देश विदेश बढ़ी चलता तांकर लोकप्रियता एवं ता सहित सोशल मीडिया रे बढ़ी चलता तांकर फॉलोअर संख्या। 2020 जुलाई बेलू तांकर फॉलोअर संख्या 60 मिलियन में पहुंची बेले एक वर्ष मध्ये पुणी जोड़ी होती आउ 10 मिलियन फॉलोअर। तांकर परे ट्विटर फॉलोअर संख्या द्वितीय स्थान रही वैटिकन पोप फ्रांसिस। पोप फॉलोअर संख्या 53 मिलियन थिबार जमा पड़े। एपरिक अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्विटर फॉलोअर संख्या एवं 30.9 मिलियन रही। तांकर दुई गुण अधिक फॉलोअर सृष्टि कर पारिछन्ती भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुणी ओडिया पुंक केन्द्र में गुरु दायित्व। वर्तमान एनडीआरएफ डीजी सत्यनारायण प्रधान को नुआ दायित्व देते केन्द्र सरकार। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो अतिरिक्त दायित्व देते केन्द्र सरकार। निकटे एनसीबी डीजी वरिष्ठ आईपीएस राकेश आस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिशनर भाव केन्द्र सरकार निजुक्ति देते ओडिया पु सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी अतिरिक्त दायित्व दि जाए। आज से राकेश आस्थाना दायित्व ग्रहण कर। एबे खबर ओलंपिक्स रु। भारत सबुठ बड़ पदक आशा थिबा स्टार सटलर पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनाल रे पहुंची। मेडल ठू मात्र 2 पाद दूर अच्छा सिंधु। प्री क्वार्टर रे डेनमार्क खिलाड़ी
ब्लीच फेल्ड को सीधासलख 21-15 और 21-13 सेट्रे हर पी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक्स रे सिल्वर पदक जीति सिंधु एवं सिंधु भारत पदक आशा रखुचे लगातार तृतीय विजय पर क्वार्टर फाइनाल सिंधु मुकाबला जापान ओकाने यामागुची हो 2012 साइना नेहवाल 2016 सिंधु और टोकियो भी सिंधु भारतवासी आशा रही सेपटे तीरंदाजी जबरदस्त प्रदर्शन करिसेंती अतनु दास कोरियार ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता तथा दुई थरर ओजिन हाइकों को सुटआउट रे हराइछंती से पछरे रहिबा परे जोरदार वापसी करथिले अतनु जोरदार प्रत्यावर्तन करथिले सुटआउट रे 6-5 रे से हराइछंती आगो को अतनु का मुकाबला पूर्वतन सिल्वर मेडलिस्ट जापान रो ताकाहारु फुरकांक सहित हेबो सेपरी बॉक्सिंग रे सतीश कुमार 4-1 रे निज मैच जीति लेइछंती 91 केजी वर्गर मुकाबला रे राउंड क्वार्टर फाइनाल रे पहुंची छंती सतीश जमैकार रिकार्डो ब्राउन को से परास्त करिछंती ए विजय सह पदकटु मात्र गोटिए पाद दूर रे अछंती सतीश क्वार्टर फाइनाल रे विजय रे माने भारत पई गोटिए पदक त निश्चित सतीश प्रथम राउंड रे 5-0 और द्वितीय राउंड को 4-1 रे जीति नेथिले रविवार उज्बेकिस्तान रा बॉक्सर बाकोधीर जालरुन को सहित हेबो मुकाबला सेपटे पुरुष हॉकी टीम आज जबरदस्त फॉर्म में रही था डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को दल 3-1 रे परास्त करिछे एथरो शेष पर्याय बेलकू भारत अधिक आक्रमण खेल प्रदर्शन करिथिला प्रथमे 1-0 रे आगुआ तापर 1-1 आउ शेष को आउ 2 गोल भारत विजय को पक्का करिथिला या सहित क्वार्टर फाइनल पहुंची टीम इंडिया भारत पई 43 मिनिट रे वरुण कुमार 58 और 59 मिनिट रे हरमनप्रीत सिंह गोल करिथिले आगामी ग्रुप मैच रे भारत मुकाबला होस्ट जापान सह हेबो बुलेट ने समय आउ एक ब्रेक रो ब्रेक में पुनः स्वागत एशियन स्कूल चैंपियनशिप रे ओडिया झियों का सफलता 17 वर्ष रु कम दलगत वर्ग में भाग नहीं स्वर्ण पदक जीति कटक अंकिता साहू अंकिता का एक टीम रे 4 जन सदस्य थे आगक सफलता हासिल करने को लक्ष्य रखिंट अंकिता स्कूल चेस चैंपियनशिप रे ओडिशा झियो को सफलता ओडिशार झियो अंकिता साहू एई इवेंट रे भारत को प्रतिनिधित्व करिबा सह टीम इवेंट रे गोल्ड मेडल जीति जंती आम सहित तो अंकिता साहू अछंती आमे तांको सह एई विषय रे अधिक आलोचना करिबा मैडम आपनकु अर्गस न्यूज को स्वागत करूची प्रथमे जानिबा को चाहिबे आपन एई जो इवेंट टी खेलिथिले एटा को भली खेलिथिले ता सहित आपन को वर्ग रे एटा को रिप्रेजेंट करथिले एक्चुअली लाइक 10 डेज तले मुझुली नेशनल स्कूल्स चेस चैंपियनशिप तो से लाइक ऑल ओवर इंडिया अंडर 17 रु बहुत जन गर्ल्स थे तो से 4th पोजिशन पाई आते फोन कर आसला कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर एशियन स्कूल्स तो टोटल 8 जन गर्ल्स सिलेक्ट होते अंडर 17 रु लाइक टॉप 8 जो मैंने होते तो एमती कि ना दीटा भाग कर टीम इंडिया ए और टीम इंडिया बी तो मु टीम इंडिया रे खेलु थी मो संगे आउ 3 जन झील भी खेलु थे टीम इंडिया ए पे आउ अबिका जो मैच खेलु थी से फिलिपिन्स रे होता बट ऑनलाइन मैच तो मुझे घर बसिक खेलु थी आउ एथरे मु टीम इंडिया और 3 जन झील को रिप्रेजेंट कर मैडम आ गोटे कथा जानवा चाहिए आपड़ जानते महामारी कोरोना पाई क्रीड़ा जगत संपूर्ण भाव प्रभावित होती आपड़ जोटा टिके समय पूर्व कहले आपड़ ऑनलाइन माध्यम रे खेलुले जितेबाला आप ऑफलाइन खेलती गोटे खेला आपण बसी थी आप जानते चेस्टा माइंड गेम मानते प्रतिपक्ष खेला माइंड भी रीड करवाक पड़े तेणु ऑनलाइन रे खेल से जो ऑफलाइन रे खेल एवं जो ऑनलाइन रे खेलु टिके किछि माने असुविधार सम्मुखीन होउछंती ना जो भली भाव ऑफलाइन रे जो आप सुविधा टी पाउथले बर्तन ऑनलाइन रे से भली सुविधा मिल पारछि नाई डेफिनेटली बहुत डिफरेंट रहउछि ऑनलाइन आ ऑफलाइन ऑफलाइन रे खेलला बेले ओपोनेंट रो मूड निज मुह देखिकिना गोटे अलग टाइप रो फील आसला
ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଦେଖାଉଥିଲେ ତମକୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲ କି ତମେ ଭୁଲ ଚଲେଇଛ କି ଠିକ୍ ଚଲେଇଛ ତ ଅପୋନେଣ୍ଟର ରିଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଚେସ୍ ତମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖିକିନା ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖେଳିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ରହୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସରେ ବହୁତ ବେଳେ ଏମିତି ଗେମ୍ସ କଟିଯାଏ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ରିଜଏନ୍ ନ କଲ ତାହେଲେ ତମର ସେଇଟା ହାରିଯିବ ଅଟୋମେଟିକଲି ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହୁଥିଲା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟଫର୍ ଥିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖେଳିବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଦେନ୍ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଏଇଟା କିଛି କରିହେବନି ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ର ବେଷ୍ଟ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ଏଇଟା ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସୋ ୟା ଆମ ସହ ଥିଲେ ଅଙ୍କିତା ସାହୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 4 ଜଣିଆ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଥିଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା କାହିଁକିନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ସାମ୍ନା ପକ୍ଷର ଯିଏ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହଜ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖେଳିବାଟା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେସ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଚେସ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତ ରହିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଭାରତକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।